हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सिलेबस देखने के पहले हम लोग इसके चरण देख लेते हैं कि कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होने वाली है। द आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस एज फॉलोस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम कहेंगे सीबीटी टेस्ट होगा आपका, जो होगा कॉमन एक एग्जाम होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एक टेस्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसे कहते हैं पीईटी। और पीईटी होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 होंगे और आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस, जनरल साइंस में एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो आपका जनरल साइंस करेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर विज्ञान से भी आपको जनरल साइंस में क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, बट ज्यादा जो तवज्जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा जनरल साइंस को, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर आपको पढ़ना है। तकरीबन 60% जो वेटेज है वो जनरल साइंस पे यहाँ पे रहेगा। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे तकरीबन 30% का वेटेज देखने को मिलेगा और बाकी जनरल अवेयरनेस के 10% यानी 10 क्वेश्चन तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन अगर गलत कर जाते हो तो आपका एक नंबर जो यहाँ पे कट जाएगा। 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शॉल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस यानी MCQs रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए है कि आपका जो है ग्रुप डी का सिलेबस किस टाइप का होगा और कितने स्टेजेस में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। Thank you very much guys for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much.